नीतीश कुमार जी, योगी आदित्यनाथ। पुतला दहन करने का कारण है मोटर वाहन एक्ट में जो कुमार जी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का हमने पुतला इसलिए दहन किया है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का रेप हो जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, कोई किसी चीज में मर जाता है कोई इंसान, तो वो कहते हैं कि पहले गाय सलामत थी। वो उनको मतलब इंसानों से ज्यादा गाय की चिंता है। तो योगी आदित्यनाथ को किसी गाय ने और किसी जानवर ने मत नहीं दिया, इस देश की जनता ने उनको मत दिया। तो वो ये बताएं कि वो जानवरों के मुख्यमंत्री हैं या इंसान के मुख्यमंत्री हैं, इसीलिए उनका पुतला दहन किया गया। माननीय नीतीश कुमार का भारतीय मित्र पार्टी ने इसलिए पुतला दहन किया है कि वो एक पलटू राम है, और जनता से जो वो वादा किए थे महागठबंधन में चुनाव लड़के, वो पलट गए बीजेपी के अंदर। और अब पुतला दहन करने का कारण है मोटर वाहन एक्ट में जो हर व्यक्ति को जो जबरन चलान किया जाता है प्रशासन के द्वारा, वो मोटर वाहन एक्ट नीतीश कुमार जी वापिस लें। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का कारण है कि उन्होंने इस देश की जनता से झूठ बोला, जुमला बोला। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को कंट्रोल में रखेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, लेकिन आज गरीब की थाली से प्याज तक गैब कर दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसीलिए उनका पुतला दहन किया गया है। सैकड़ों समर्थक के साथ हमने पुतला दहन किया है, और कल मधुबनी में भी कार्यक्रम हुआ था। ये अब बिहार के हर जिले के अंदर भारतीय मित्र पार्टी ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बलात्कार के खिलाफ, हत्या के खिलाफ इसका आंदोलन छेड़ दिया है। और हमारी एक सरकार से मांग भी है, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, किसान को बिजली पानी मुफ्त करे सरकार, वरना भारतीय मित्र पार्टी का पूरे बिहार में ये आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा नारा है, मोदी नीतीश तेरे राज में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।